जहां एक और सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन का संकल्प लिया है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड पुलिस ने भी ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन को लेकर कमर कस ली है। लगातार पुलिस द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन पर गांव गांव में ड्रग्स जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं इस कड़ी में मंगलौर के लिब्बरहेड़ी गांव में पुलिस अधीक्षक स्वपन किशोर ने ड्रग्स फ्री जागरूकता अभियान को लेकर लोगों से संवाद किया। इस मौके पर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक स्वपन किशोर ने लोगों को ड्रग्स से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ड्रग्स लेने वाले युवा स्वयं सहित अपने परिवार को भी अंधेरे में धकेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त करने के लिए सभी को जिम्मेदारी और समन्वय से कार्य करना चाहिए। वर्ष 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य हासिल करना है। एक और जहां ड्रग्स सप्लायर्स पर कड़ा प्रहार करना है, वहीं दूसरी ओर बच्चों और युवाओं को ड्रग्स की चपेट में आने से बचाना है। मंगलौर से राहुल सीनी की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की भावना के अनुसरण में एसएसपी हरिद्वार सर के निर्देश पर आज लिब्बरहेड़ी गांव में पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया है और इसमें हमारे पुलिस टीम के द्वारा लोगों को साइबर अपराधों से बचाव और सुरक्षा हेतु नशे से के मकड़जाल में फंसने से बचने के लिए और नशा मुक्त भारत ड्रग्स मुक्त फ्री देवभूमि मिशन 2025 के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक योगदान देने हेतु लोगों को प्रोत्साहित किया गया।